गुड मॉर्निंग, आज फोर्थ डे है और अभी हम लोग पेलिंग पे है। हम लोग अभी सिक्किम कौन सा प्लेस था, मोनेस्ट्री ना, स्काई वॉक पे जा रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग राइड स्टार्ट करने वाले हैं एंड हम लोग सब रेडी है ऑलमोस्ट। सो ये हमारा फोर्थ डे का ट्रिप है। तो आप अगर जिसको पता नहीं है कि ये फोर्थ डे का ट्रिप हम लोग आज पेलिंग के लिए है, तो हम लोग गुवाहाटी से स्टार्ट किए थे हमारा ट्रिप, गुवाहाटी से शिलीगुड़ी टू गैंगटॉक, गैंगटॉक टू नामची, और अभी हम लोग पेलिंग पे है। तो थोड़ी देर में हम लोग पेलिंग पहुँच ही गए हैं। आपको गेट दिख ही रहा है, वेलकम टू पेलिंग। तो हम लोग पेलिंग घुसने के साथ साथ आप लोग को मैं बोल देता हूँ कि पेलिंग से हम लोग का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है स्काई वॉक। तो स्काई वॉक में हम लोग चेंगसरी स्टेचू भी देखने जा रहे हैं। तो पेलिंग से स्काई वॉक इट्स ऑलमोस्ट 9.2 किलोमीटर, जो कि हम लोग को लगभग 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स लग गया हम लोग को बाइक से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो कंचनजंगा का व्यू है वो बहुत ही क्लियर क्रिस्टल है, यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है, बहुत ब्रेथ टेकिंग व्यू है, तो ये आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपको रोडवेज पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बाइकर आना चाहता है और वेस्ट सिक्किम को ट्रैवल करना चाहता है और पेलिंग को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो मेरा प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने दिखाया है कि आपको रोडवेज पे राइड करके कैसे आना चाहिए था और आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस होगा, नहीं तो आपको कहाँ कहाँ होटल्स लेना है, कहाँ कहाँ आपको स्टे करना है, फूड कैसा है यहाँ पे। तो ये सब, ये कंचनजंगा पहाड़ है, आपको दिख ही रहा होगा। तो फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं, निकल के हम लोग स्काई वॉक की ओर जाते हैं। तो मेरा दोस्त को दिख ही रहा होगा, आप हेलमेट उसका हाथ पे है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, नामची से जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हेलमेट उसका बिक गया था। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आगे ही पेलिंग का चेक पॉइंट है और वहाँ पे उसको ये फाइन लगा। तो हमेशा गियर्स अपना पहन के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है। तो अभी यहाँ पे लोकल्स को पूछते और हम लोग चलते हैं स्काई वॉक की ओर। सर, ये स्काई वॉक कहाँ पे है? इस तरफ। थैंक यू। तो यही एक डायरेक्शन है जहाँ पे आपको हेलीपैड का रास्ता भी मिलेगा और पेलिंग का स्काई वॉक भी मिलेगा। और आप जब तक ट्रैवल करते रहोगे पूरा रोडवेज में आपको साइड से कंचनजंगा का पूरा नज़ारा मिलेगा। यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट आते हैं, तो अभी गाड़ी से आपको पता चल ही रहा होगा कि सब ने पार्किंग करके रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ से दो रास्ता है, एक हेलीपैड की ओर जाता है और एक आपका स्काई वॉक की ओर जाता है। तो अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं स्काई वॉक पे, तो वहाँ पे इट्स लाइक 7200 फीट सी लेवल के ऊपर है वो एरिया। तो आपको वहाँ पे जाके मैं बोलता हूँ कि हम लोग को कैसे कैसे मतलब एंट्री लेना है और वहाँ का टिकट्स कैसा है और कौन सा महीना में आपको आने से मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और अच्छा भी लगेगा। अंकल, स्काई वॉक इधर है ना? तो यहाँ पे आप रोड देख ही सकते हो कि थोड़ा मतलब कच्चा है, क्योंकि अथॉरिटीज़ यहाँ पे बना रहा है। तो आपको मैं पूरा मतलब दिखा रहा हूँ कि टोटली कि यहाँ पे रोड्स का कंडीशन कैसा है और आपको ट्रैवल करना है वाया रोड तो ऐसा कंडीशन है। तो आप अपना प्रिकॉशंस लेके रहेगा कि लोकल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। पर बाहर से आने से आपको बहुत सेफली यहाँ पे राइड करना है, क्योंकि साइड में ऐसा कोई बैरिकेड ऐसा कुछ है नहीं एंड वी आर ट्रैवलिंग 7200 फीट अबव सी लेवल। सो रास्ता तो आपको दिख ही रहेगा, कोई बाउंड्रीज है नहीं, तो आपको प्रिकॉशंस तो लेने ही होगा यहाँ पे। तो संभाल के चलाइएगा और यहाँ पे आप, और हाँ, अगर आप मतलब पैक ऑफ 4 नहीं तो पैक ऑफ 2 आ रहे हो तो आपको यहाँ पे होटल्स अवेलेबल मिल ही जाएंगे। 1000 से 1500 के बीच में आपको होटल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे लोकल फूड भी बहुत अच्छा है और जो कि बहुत चीप भी है, 100 to 150 में आपका ये वन टाइम मील तो हो ही जाएगा। तो उसके लिए आपको प्री बुक भी कर सकते हो कोई भी ऐप से, नहीं तो आप यहाँ पे लोकल ट्रैवल करके भी आ सकते हो। तो फिलहाल तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी हम लोग का डेस्टिनेशन जो था। तो ये तो इधर से ही इतना सुंदर लग रहा है, अंदर कितना सुंदर होगा। एंड द स्टेचू, वाओ, बुद्धा स्टेचू ही बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो पहले हम लोग अपना गाड़ी पार्क करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये मेरा सिक्किम टूर का फोर्थ डे है। तो आपके सपोर्ट के वजह से ही मैं इतना सुंदर चीज़ जगह को एक्सप्लोर कर पाता हूँ। तो काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड बने रहिए पूरा वीडियो के एंड तक। मैं आपको स्काई वॉक का ये ग्लिम्स भी दिखा रहा हूँ और ये जो आपका बुद्धा स्टेचू है
वो भी हम लोग अंदर जाके सामने से देखेंगे। तो यहाँ से तो नज़ारा अलग ही है, पूरा क्लाउड से कंचनजंगा पहाड़ ढका हुआ है और आपको कंचनजंगा पहाड़ भी दिख ही रहा होगा। यहाँ से मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। बहुत पीसफुल एरिया है ये, बहुत ज़्यादा ही पीसफुल है। ये है कंचनजंगा पहाड़ जो कि पूरा बादलों से ढका हुआ है। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और टिकट्स लेते हैं, अंदर जाने का टिकट्स। तो ये है आपका एंट्री पॉइंट, यहाँ से हम लोग ने टिकट्स लिया है। तो पर पर्सन इज़ 100 रुपीज़, जो कि बहुत ही ओके है, 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और यहाँ पे एक रोप वे भी बन रहा था जो कि जनवरी को चालू होने वाला था, पर अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हो मेरा वीडियोस देखे तो मे बी रोप वे चालू, क्योंकि वो हेलीपैड से डायरेक्ट आपका मॉनेस्ट्री कनेक्ट करता है। तो अभी अंदर जाते हुए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पहले हम लोग को क्या क्या करना है। तो अंदर जाने के साथ साथ ही आपको पहले, जैसे ये टेंपल है, मॉनेस्ट्री है, तो पहले आपको शूज़ रखने के लिए एक जगह मिल जाएगा डेडिकेटली। फिर वहाँ पे शूज़ रख के आपको राइट हैंड साइड में आप स्काई वॉक भी जा सकते हो, नहीं तो आप टेंपल ही विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका पूरा टेंपल का एरिया है। एंड अभी हम लोग स्काई वॉक के ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको धर्मा चक्रस्थ दिख ही रहा है, बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत सुंदर है। और स्काई वॉक आपको यहाँ पे, इट्स इंडिया का पहला स्काई वॉक है जो कि 2018 में बना था। तो यहाँ से, और आपको इतना डर भी नहीं लगेगा, और यहाँ से आपको मतलब कंचनजंगा का जो मतलब व्यू है वो बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है, पूरा मतलब क्रिस्टल क्लियर। और अगर आप मार्च अप्रैल महीना में आते हो तो बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे जैसे एक फेयर होता है कि ग्लास स्काई वॉक है, तो डर इतना वैसा डर नहीं लगता है, आप रिलैक्स होके भी आप आराम से चल सकते हो यहाँ पे, वैसा कोई डरने का ये नहीं है, सुंदर बना हुआ है। तो स्काई वॉक आपका नॉर्मली 200 फीट लंबा है ये स्काई वॉक। और अभी हम लोग बुद्ध टेम्पल के और भी चलते हैं, अंदर मॉनेस्ट्री भी है। तो मॉनेस्ट्री के और तो हम लोग फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए फ़ोटोग्राफी नहीं किया था, पर मैं आपको पूरा ऊपर तक दिखाऊंगा कि बुद्ध टेम्पल के मतलब जो स्टेचू है वहाँ से व्यू कैसा लगता है पूरा एरिया का। तो चलिए हम लोग जाते हैं। और अगर आपको पेलिंग में स्नोफॉल देखना है तो आप अक्टूबर से फरवरी मंथ के बीच भी विजिट कर सकते हो, यहाँ पे पूरा स्नोफॉल होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। फिलहाल तो हम लोग बाइकर्स थे तो हम लोग के लिए थोड़ा रिस्क हो जाता है बाइक चला के आने में ऑन रोड वेज, पर अगर आपको विटनेस करना है तो आप आ सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला है कि आप अगर फ्लाइट से आ रहे हो तो बागडोगरा एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट गैंगटॉक से फिर आप पेलिंग के लिए आ सकते हो। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो NGP में उतर के सिलीगुड़ी जो है, सिलीगुड़ी से फिर आप गैंगटॉक से फिर NGP। तो ये जो आप देख रहे हो अभी फॉग तो फैल ही रहा है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका लाइक 177 स्टेप्स होगा जो कि आपको इतना तकलीफ भी नहीं देगा, आराम से आप चढ़ सकते हो। और पूरा देखिए आप, जैसे अभी कंचनजंगा दिख रहा है, जैसे आपको वो सब दिख रहा है कि सारा माउंटेंस चारों तरफ है, और हम लोग नॉर्मली पूरे माउंटेंस के टॉप में ही है, ऊपर में आपका हेलीपैड है। और जैसे मैंने प्रीवियसली भी आपको बोला था कि जब रोप वे बन जाएगा तो आप हेलीपैड से डायरेक्ट रोप वे लेके आप यहाँ पे भी आ सकते हो। तो वो तो जनवरी को ही बनना था पर हुआ नहीं। तो यहाँ से आप व्यू देखो, वो स्काई वॉक है, स्काई वॉक से फिर साइड से हम लोग अभी टॉप पॉइंट पे है। तो ये मैं आपको जो स्टेचू है, ये स्टेचू आपका ऑलमोस्ट 137 फीट टॉल है, और जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेचू भी है माना जाता है, तो बुद्ध टेम्पल। और इसके नीचे ही मॉनेस्ट्री है, तो मॉनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं था तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। ये आपका 4 धर्म चक्र है जो कि मॉनेस्ट्री के चारों तरफ है, तो जो कि बहुत सुंदर ही लगता है देखने में और बहुत ह्यूज है। तो नॉर्मली टूरिस्ट आके यहाँ पे आप लोग घुमा सकते हो धर्म चक्र को, और बहुत ही मतलब पीस फील होता है। और यहाँ का जो वाइब्स है वो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शूटिंग है कि यहाँ पे आप एकदम मतलब आराम से, हम लोग जब से विजिट किया है 2 घंटा स्पेंड कैसे हो गया हम लोग को पता ही नहीं चला। अभी ये आपका टॉप व्यू है जो कि मॉनेस्ट्री के अंदर से एक रास्ता है स्लोप करके जो एकदम आप ऊपर आ सकते हो। तो ये एक्चुअल रास्ता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ से जो एकदम क्लोज स्टेचू कैसा लगता है। ये देखिए कितना बड़ा स्टेचू है, ऑल पूरा 137 फीट का, और ये पूरा
फॉक्स है, पूरा कंचनजंगा भी ढक गया है। तो फिलहाल तो हम लोग नीचे आ गए हैं और नीचे आके आपको थोड़ा कुछ और दिखा देता है पेलिंग के बारे में। और मैं पेलिंग के बारे में बोल देता हूँ कि अगर आप प्लान करते हो तो अगर स्नोफॉल आपको देखना है तो अक्टूबर से फेब, और अगर आपको ऐसे नॉर्मल वेदर चाहिए और क्लियर क्रिस्टल व्यू चाहिए कंचनजंगा पहाड़ का तो आप मार्च, अप्रैल और मई, ये तीन मंथ में ही प्लान करना, क्योंकि बाकी महीना ज़्यादातर बारिश रहता है और कंचनजंगा पूरा ढका हुआ रहता है, तो आप तब आ सकते हो यहाँ पर। तो अभी तो हम लोग निकल रहे हैं पेलिंग से, कि ऑलमोस्ट हम लोग ने कवर कर ही लिया, आप लोग को डेस्टिनेशन का डिटेल्स भी दे दिया है और आपको कैसे कैसे आना है ये रूट में वो भी मैंने बोल दिया है। और अगर आप बाइकर्स हो तो आप थोड़ा संभाल के आना और गियर प्रॉपरली पहन के आना, क्योंकि रोड तो इतना अच्छा नहीं है। तो थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया सिक्किम राइड का, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, आपको पता चलेगा कि हम लोग ने गुवाहाटी से कैसे हम लोग ने ये चारों डेस्टिनेशन कवर किया है। और हम लोग को तो हम लोग का प्लानिंग कुछ और था, पर हैवी स्नोफॉल के वजह से वो हम लोग को पासेस नहीं मिला, नथुला पासेस के वजह से हम लोग ने वेस्ट सिक्किम का डेस्टिनेशन ले लिया। तो यहाँ पे आपको मेरे वीडियोस में सारे डिटेल्स मिल जाएगा और अपने प्रीवियस वीडियोस में भी सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि सिक्किम हम लोग को वेस्ट सिक्किम स्पेशली कैसे कवर करना है और हम कहाँ कहाँ स्टे करना है और कैसे मतलब मैनेज करना है पूरा ट्रिप को। तो थैंक यू वंस अगेन बने रहने के लिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन में कौन सा कवर करूँ, ताकि उसी हिसाब से मैं प्लान भी कर पाऊँ और आपको वो डिटेल भी शेयर कर पाऊँ, चाहे वो मैं राइड करके जाऊँ कि कोई दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लूँ, तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। और थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, आपके सपोर्ट के वजह से ही मैं इतना सुंदर सुंदर डेस्टिनेशन मतलब कवर कर पा रहा हूँ और आपको फुल इन्फॉर्मेशन भी दे पा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अगर आपने चैनल को अच्छा लगा, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएगा। थैंक यू वंस।